వెల్కమ్ టు నాత టీవీ నేను పావని సంక్షేమ పథకాల్లో కేసీఆర్ ఎన్నడూ వెనక్కి తగ్గలేదని ఎమ్మెల్సీ కవిత అన్నారు బుధవారం ఆమె మాట్లాడుతూ రైతులకు అండగా నిలుస్తున్నాం అర్హత గల వారందరికీ ఆసరా పింఛన్లు ఇస్తున్నాం రాబోయే రోజుల్లో ఇంట్లో ఇద్దరికీ ఆసరా అందిస్తాం కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వ తెలంగాణలో ఉచిత పథకాలు అడ్డుకుంటోందని అన్నారు రేషన్ షాప్లో ఎక్కడ ఎప్పుడు ప్రధాని మోడీ ఫోటోలు పెట్టలేదు వంట గ్యాస్ సిలిండర్లు యూరియా బస్సులపై మోడీ ఫోటో పెడతాం సోషల్ మీడియాలో బీజేపీ ఎప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తోంది బీజేపీ రాజకీయ కుట్రలు చేస్తోంది దాన్ని తిప్పికొడతామని అన్నారు అప్నే నిజామాబాద్ మే ఏ కంట్రీ కే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ జో రహతే నిర్మలా సీతారామన్ ఉను ఆకే దౌరా కర్కే గయే అచ్చీ బాత్ హై మెహమాన్ ఆతే జాతే రహతే ఆనా చాహియే ఘర్ మే భీ అచ్చా దిఖతా థోడా ఖుషీ భీ మిల్తీ హమ్ లోగోన్ కో మెహమాన్ ఆయే తో లేకిన్ ఉను ఆయే కంట్రీ కే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ హై ఉను आके कहां रुके रेशन शॉप के पास गए रेशन शॉप के पास गए ठीक है गए तो गए उन्होंने लड़ाई शुरू कर दिया कलेक्टर साहब से क्या पूछ रहे कलेक्टर साहब से इस रेशन शॉप में नरेंद्र मोदी जी का फोटो क्यों नहीं है पूछ रहे कभी है तारीख में कभी प्राइम मिनिस्टर का फोटो लगता रेशन शॉप पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर होने दीजिए वो नेहरू जी होने दीजिए मनमोहन सिंह जी होने दीजिए वाजपेयी जी होने दीजिए जो भी होने दीजिए कभी तारीख में नहीं लगा रेशन शॉप में प्राइम मिनिस्टर का फोटो उन्होंने पूछ रहे फोटो क्यों नहीं है तो हम बोले अच्छा निर्मला सीतारामन जी आप यहां तक आए आप इतना बुरा मान रहे कि नरेंद्र मोदी जी का फोटो नहीं है तो जरूर लगाएंगे नरेंद्र मोदी जी का फोटो कहां लगाएंगे सिलेंडर के ऊपर लगाएंगे यूरिया के बस्ते के ऊपर लगाएंगे जो पेट्रोल के डीजल के दामा बढ़ रहे पेट्रोल बंक में बाजपा उनका फोटो लगाएंगे हर जगह जहां जहां दाम बढ़ा के लोगों को जितना सता रहे हो आप तेल का दाम बढ़ गया दाल का दाम बढ़ गया इन सबके ऊपर जरूर नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा के सुबह उठ के पूजा करके बाहर हम निकलेंगे बराबर जब दिखाने का वक्त आते तब उनको दिखाएंगे ये बात हमें निर्मला सीतारामन जी को समझाने का है अपने निजामाबाद में ये कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर जो रहते निर्मला सीतारामन उन्होंने आके दौरा करके गए अच्छी बात है मेहमान आते जाते रहते आना चाहिए घर में भी अच्छा दिखता थोड़ा खुशी भी मिलती हम लोगों को मेहमान आए तो लेकिन उन्होंने आए कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने आके कहां रुके रेशन शॉप के पास गए रेशन शॉप के पास गए ठीक है गए तो गए उन्होंने लड़ाई शुरू कर दिया कलेक्टर साहब से क्या पूछ रहे कलेक्टर साहब से इस रेशन शॉप में नरेंद्र मोदी जी का फोटो क्यों नहीं है पूछ रहे कभी है तारीख में कभी प्राइम मिनिस्टर का फोटो लगता रेशन शॉप पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर होने दीजिए वो नेहरू जी होने दीजिए मनमोहन सिंह जी होने दीजिए वाजपेयी जी होने दीजिए जो भी होने दीजिए कभी तारीख में नहीं लगा रेशन शॉप में प्राइम मिनिस्टर का फोटो उन्होंने पूछ रहे फोटो क्यों नहीं है तो हम बोले अच्छा निर्मला सीतारामन जी आप यहां तक आए आप इतना बुरा मान रहे कि नरेंद्र मोदी जी का फोटो नहीं है तो जरूर लगाएंगे नरेंद्र मोदी जी का फोटो कहां लगाएंगे सिलेंडर के ऊपर लगाएंगे यूरिया के बस्ते के ऊपर लगाएंगे जो पेट्रोल के डीजल के दामा बढ़ रहे पेट्रोल बंक में बाजपा उनका फोटो लगाएंगे हर जगह जहां जहां दाम बढ़ा के लोगों को जितना सता रहे हो आप तेल का दाम बढ़ गया दाल का दाम बढ़ गया इन सबके ऊपर जरूर नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा के सुबह उठ के